वहीं रायबरेली में प्राइवेट नर्सिंग होम की घोर लापरवाही देखने को मिली है, जहां एबॉर्शन कराने आई महिला का ऑपरेशन किया गया और नर्सिंग होम का स्टाफ ऑपरेशन के बाद महिला के पेट में कैची भूल गया, जिसके बाद महिला की हालत बिगड़ने लगी। वहीं लापरवाह डॉक्टरों का कहना है कि कैची के कुछ टुकड़े टूटकर पेट में ही रह गए, जिसको लेकर ऑपरेशन किया गया है और उन्हें निकाल दिया गया है। बता दें कि पूरा मामला सदर कोतवाली के कैनाल रोड स्थित संजीवनी नर्सिंग होम का बताया जा रहा है। बता रहे हैं कोई प्रेगनेंसी का ऑपरेशन हुआ था? डीएनसी हुई है जी। वही क्या हुआ है पूरा मामला? डीएनसी हुई है, उसमें जो जिससे सफाई की जाती है और आपका अंदर टुकड़ा हमको लगता है छूट गया, वाला टूट गया, ऐसा नहीं है टूट गया। अब ये तो औजार होता है, स्टील का बना हुआ होता है, अब कैसे टूट गया हम नहीं बता पाएंगे। और इनको मैं एक महीने बाद बुला रही हूँ कि उसको दोबारा डीएनसी करके निकाला जाएगा। तो हम लेके आए डीएनसी, ये डीएनसी की डीएनसी करते समय इनसे हथियार जो होता कैंची वगैरह जो भी हो तो टूट गया बोली, तो दोबारा फिर डीएनसी की है बेहोश करके, उसके बाद भी नहीं निकला। क्या क्या टूट गया, क्या है अंदर? कैंची है या कोई औजार है सर, वो उसमें अल्ट्रासाउंड में दिख रहा है बरोबर सर। तो बोले कि हम इसको हम निकालेंगे, तो निकालने के लिए बोली चार दिन की दवा ले लो, चार दिन बाद हमें फिर बुलाएँ। चार दिन बाद में फिर आया तो फिर कोशिश की, बोले हम कोशिश किए हैं लेकिन निकला नहीं है सर। तो हम ये बोल रहे हैं कि अगर जब तक ये निकल नहीं रहा है तो ये पूरी जिम्मेदारी नहीं कि हम ये प्रॉब्लम से, जब तक प्रॉब्लम से पेशेंट को निकालेंगे नहीं तो हमारे पूर्ण रूप से जिम्मेदारी। किस हॉस्पिटल में आपने ऑपरेशन करवाया? जी